गुड इवनिंग एवरीवन. आज करते हैं इंसेक्ट बायोलॉजी का नया चैप्टर, दैट इज डिजीज कैरियर्स. राइट, डिजीज कैरियर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, दैट इज पैथोजेंस. राइट, पैथोजेंस की आप डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, तो आप इसके अगर डेफिनेशन देखोगे तो आप ये भी कह सकते हो दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. राइट, नाउ दीज डिजीज कैरियर्स देयर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स एंड अदर इज सिम्प्टोमैटिक कैरियर. एज द नेम इंडिकेट्स कि एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स का मतलब है सिम्टम्स एब्सेंट, यानी कि एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स डू नॉट शो एनी सिम्टम एंड सिम्प्टोमैटिक कैरियर्स शो सिम्टम ऑफ द डिजीज. तो सबसे पहले हम करते हैं एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स, यानी कि ये वो कैरियर्स हैं, एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स ये वो कैरियर्स हैं जिन जो खुद जो है, इफ़ यू सी दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, खुद डिजीज़ से सफ़र नहीं करते, बल्कि ये डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एसिम्प्टोमैटिक कैरियर जो हैं वो हेल्दी कैरियर. ठीक है, और एक पर्सन जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो जो है सफ़र नहीं करता उस पर्टिकुलर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से, ना ही वो कोई सिम्टम डिस्प्ले करता है, केवल वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा. जैसे ये एक पिक्चर दिखा रखी है मैंने मैरी मेलन की. राइट, मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैरी मेलन है ये जो है एक तरह से एसिम्प्टोमैटिक कैरियर थी सेल्मोनेला टाइफी के लिए. तुम्हें पता है सेल्मोनेला टाइफी जो है एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, हुआ क्या कि ये मैरी मेलन जो है कुक थी. ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में, और ये सोल्जर्स के लिए भी कुक करती थी. तो एक टाइम पे इसने 50 लोगों को टाइफाइड जो है स्प्रेड कर दिया, हालांकि खुद इसे कभी टाइफाइड नहीं हुआ. राइट, देन इसको जो है क्वारंटाइन किया एक आइलैंड पर, सो दैट शी इज़ नॉट एबल टू ट्रांसमिट द डिजीज़. इसी तरह एक और पर्सन था रिचर्ड गिलबर्ट, जो कि एसिम्प्टोमैटिक कैरियर था टाइफाइड का. तो मतलब ऐसा मानते हैं कि 1-6% इंडिविजुअल जो है सेल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्ट होते हैं, बट ये सिम्टम शो नहीं करते. ठीक है, इसी तरह एक और डिजीज़ है HIV इन्फेक्शन, जो एक HIV पॉजिटिव पर्सन है वो दिखने में एकदम हेल्दी होता है. ठीक है, बट जो है वो कुछ डिजीज़ से उस टाइम वो डिजीज़ नहीं लगता है, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो ही इज़ एबल टू स्प्रेड HIV टू मैनी पर्सन. हाँ, एक लेटेंट पीरियड होता है जिसमें वो सफ़र नहीं कर रहा था, बट बाद में जब HIV एक्टिव हो जाता है तब वो पर्सन जो HIV पॉजिटिव है वो सिम्टम भी शो करने लग जाता है. यानी कि सेम पर्सन एक स्टेज पर एसिम्प्टोमैटिक कैरियर होता है, दूसरी स्टेज पर वो सिम्टोमैटिक कैरियर भी बन जाता है. ठीक है, इसी तरह HIV के बाद एक और वायरस है एप्स्टीन बार वायरस. ये देखो एप्स्टीन बार वायरस की ये जो पिक्चर है, ये जो इसको ह्यूमन वो भी बोलते हैं ह्यूमन हर्पिस वायरस. एप्स्टीन बार वायरस को ह्यूमन हर्पिस वायरस, ये देखो मैंने लिखा एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, ये जो है अडल्ट्स के अंदर इफ़ यू सी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली मैनी टाइप ऑफ कैंसर्स. ठीक है, ये भी जो है कुछ हेल्दी पर्सन्स में इनएक्टिव रहता है ह्यूमन हर्पिस वायरस, और जो वीक है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनमें ये सिम्टम जो है वो
शो करता है या ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अराउंड 95% लोगों के पास इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज होती हैं, बट जो रिमेनिंग 5% है उनमें जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। देन एक और बैक्टीरिया है जस्सी, दिस बैक्टीरिया इज नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल ये है बैक्टीरिया है, ये जो है किसको इन्फेक्ट करता है, कोलोन को, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। और ये जो है कुछ लोगों की कोलोन में एज सच रहता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, और कुछ लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो कोलोन की जो इनर मेम्ब्रेन लाइनिंग है ना, वहाँ पर जो उसको अफेक्ट करता है। और इट पर्सन्स हु हार्बर कईयों की बॉडी में क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल होते हुए भी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड दे आर एबल टू स्प्रेड। इसी तरह एक और डिजीज़ है क्लेमाइडिया, ठीक है। क्लेमाइडिया जो है एक तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि पर्सन्स ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और उसके बाद ज़्यादा करें उनको यू कैन से पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है, फिर भी वो दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लेमाइडिया और दे हैव क्लेमाइडिया बैक्टीरिया इन देयर बॉडी। इसी तरह एक और वायरस है, एक और पोलियो वायरस। पोलियो वायरस से क्या होता है, ये देखो पोलियोमाइलाइटिस होता है, ठीक। पोलियोमाइलाइटिस में इफ़ यू सी जो लिम्स हैं, लोअर लिम्स, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है हम कितना इसका पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहता है, कई मतलब ये जो पोलियो वायरस है इवन आफ्टर एक्सपोजर टू वैक्सीन, उस वैक्सीन के एक्सपोजर के बाद भी जो है कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली इस बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ऑल दो दे देमसेल्व्स डू नॉट सफर फ्रॉम पोलियो, दे आर यू कैन से एसिम्प्टोमैटिक कैरियर ऑफ द पोलियो वायरस। नाउ इसी तरह देर आर सर्टेन जीन्स, सर्टेन इंडिविजुअल्स विच कैरी जीन्स, वो इनएक्टिव जीन कैरी करते हैं अपने बॉडी में, और वो जीन्स जो है किसी न किसी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के जेनेटिक कैरियर्स को बोलते हैं एसिम्प्टोमैटिक जेनेटिक कैरियर। क्या होता है कि जैसे कोई किसी पर्सन ने कोई जीन इनहेरिट कर लिया, से यू कैन से एक जीन है ए, ये इनहेरिट कर लिया और ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर इसका जो काउंटर पार्ट एलएल है वो अगर डोमिनेंट है तो ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज ये जो है केवल ये जीन जो है रिसेसिव है। अगर ये डोमिनेंट जीन होगा तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। और रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल सुनाती हूँ, जब सपोज ये एक ये एक कैरियर है, ठीक है, और इस ये एक यू कैन से पेरेंट वन है, और ये दूसरा है पेरेंट टू है, ये भी कैरियर है, राइट। अब इनके जो दो गैमिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए ए ए और ए, जो इनके वेरियस कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो जो ए ए है ये तो होमोजाइगस है डोमिनेंट एल का, ये बिल्कुल ही सफ़र नहीं करेगा। ये दो इंडिविजुअल्स जो है वैसे तो हेल्दी होंगे, बट दे विल बी कैरियर ऑफ दिस डिफेक्टिव जीन। और ये जो फोर्थ इंडिविजुअल है जिसमें कि जो जो डिफेक्टिव जीन है जो होमोजाइगस कंडीशन में, ये पर्सन जो है होमोजाइगस ये पर्सन जो है ये उस डिजीज से सफ़र करेगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाती हूँ तुम्हें, जो इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया है, शी वॉज कैरियर ऑफ द जेनेटिक कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। उसकी डॉटर्स को होता रहा, तो उसकी उनकी डॉटर्स ने कभी हीमोफीलिया से सफ़र नहीं किया, ठीक है ना। बट जो है आगे कई जनरेशन्स के बाद इवन स्पेन और रशिया तक वो जीन स्प्रेड हो गया। बाद में एक स्टेज पर जब ये हीमोफीलिया वाला जो जीन है, जब इस तरह से होमोजाइगस कंडीशन में एक
प्रोजेनी में आया तब इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है और हीलिंग नहीं होती, राइट। इसी तरह से एक और डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो RBC है वो इस तरह से सिकल शेप बन जाता है, ठीक है ना, और उससे जो है सिकल सेल एनीमिया में ये बहुत ही मतलब कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है और अराउंड 8% लोग इसके कैरियर्स होते हैं, यानी कि जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तब सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम नहीं दिखाई देते, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी वो पर्सन जो है सिकल सेल एनीमिया से सफ़र करता है। इसी तरह एक और डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये यूजुअली जो है एलिमेंट्री कैनाल में होती है और लंग्स में होती है, तो ये उन सर्फेसिस पर होती है जो सिक्रीटरी नेचर होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो सिक्रीट करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग भी सिक्रीशन करती है, लंग्स की जो इनर लाइनिंग है वो भी सिक्रीशन करती है सर्टेन फ्लूइड टू कीप द एल्वियोली मॉइस्ट। अब क्या होता है अगर सब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है ना तो क्या होता है कि वो सिक्रीटरी मटेरियल जो है वो थिक हो जाता है, और एकदम थिक होने के बाद क्या होगा कि उसकी पूरी इनर लाइनिंग को ब्लॉक कर देता है, इससे कई बार डेथ भी हो जाती है, राइट। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक यू कैन से जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो पर्सन जो है उसको कैरी करता रहता है पर खुद उससे सफ़र नहीं करता है। इसी तरह एक और डिजीज़ है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है कि जो मसल्स है ना बॉडी की वो बिल्कुल काम नहीं करती है, मसल डिजेनरेशन हो जाता है और मसल डिजेनरेशन के बाद डेथ भी हो जाती है। इसमें जो है एक जीन है डिस्ट्रॉफिन और वो डिस्ट्रॉफिन जो है उस जीन की म्यूटेशन हो जाती है, और जिससे म्यूटेशन होने के बाद अगर अगेन ये होमोजाइगस कंडीशन में कहीं पर पाया जाता है द पर्सन सफर्स फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड इट मे डाई, राइट। सो ये एग्जांपल्स थे, ये सारे जेनेटिक कैरियर को इंक्लूड करके ये एग्जांपल्स थे ए सिम्टोमेटिक। नाउ वी कम टू सेकंड कैटेगरी ऑफ कैरियर दैट इज सिम्टोमेटिक कैरियर्स। जैसे कि नेम से ही इंडिकेट होता है कि जो सिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो इंडिविजुअल खुद भी सफ़र करते हैं उस डिज़ीज़ से और वो स्प्रेड भी करते हैं पैथोजन चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब एविडेंट भी होता है और पता भी चल जाता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कहाँ है। जैसे एग्जांपल जैसे HIV इन्फेक्शन है, पहले तो लेटेंट पीरियड में तो वो एसिम्टोमेटिक होता है पर बाद में जब HIV पॉजिटिव पर्सन में जो जो वायरस है एक्टिव हो जाता है तब वो सिम्टम शो करता है और वो स्प्रेड हो जाता है और वो भी और इंडिविजुअल्स को भी। और जो ये जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है सिम्टोमेटिक कैरियर का टू अ हेल्दी पर्सन ये कौन कौन से सोर्स है, फर्स्ट वन इज़ कंटाजियस, द इन्फेक्शन कुड बी कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब क्या है, थ्रू कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्टैक्ट कुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इट कुड बी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज कंटाजियस डिजीज है या एजेंट्स हैं जो स्प्रेड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया ऑफ लेप्रसी, ठीक है, चिकन पॉक्स है वो भी ऐसे स्प्रेड होता है, एड्स है वो भी इसी तरह स्प्रेड होता है, या फिर दूसरा सोर्स है फूड कंटामिनेशन। कई बार जो हमारा फूड जो है इन्फेक्टेड हो जाता है उस पर्टिकुलर पैथोजन से, जैसे कि कॉलरा बैक्टीरिया है, कॉलरा होता है ना, कॉलरा बैक्टीरिया से ये जो है फूड कंटामिनेशन से होता है। दूसरा सोर्स है इंसेक्ट बाइट्स, कई बार इंसेक्ट जो है बाइट करता है उससे भी जो पैथोजन स्प्रेड होता है हम डिजीज से सफ़र करते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है। एक इसी तरह एक वेस्ट नील वायरस है जो कि मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है। एक और सोर्स है दैट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इससे कौन कौन से डिजीज़ स्प्रेड होती है, ड्रॉपलेट यानी कि एयर में पैथोजन जो है रिलीज हो जाता है, जैसे कि TB है, ट्यूबरक्लोसिस या फिर निमोनिया, ये डिजीज़ जो है एयर में ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होती है।
कई बार क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं या क्लोथ्स होते हैं या टावल्स होते हैं, उन कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड लिख लो आप, क्लोथ्स टावल्स या यूटेंसिल बर्तन, इनके थ्रू भी कुछ डिजीज़ स्प्रेड होती है। और इस तरह के एजेंट को क्या बोलते हैं, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। इस तरह की डिजीज़ को क्या बोलेंगे, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज, राइट। सो ये इस तरह, सो दिस वाज़ द एग्जांपल ऑफ सिम्टोमेटिक कैरियर्स। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।